हाय माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड। तो मैं चली हूँ द्वारका। तो इस व्लॉग में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप भी मेरी जर्नी का पार्ट बन सके। तो यहाँ पर हम पहले तो चढ़ गए ट्रेन में और यहाँ पर थोड़ा सा पेट पूजा कर ली और फिर यहाँ बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। गुड नाइट स्लीपी स्लीपी, से गुड नाइट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ गए। अभी भी हमारे 3 घंटे बाकी थे, टोटल 16 आवर्स की ये जर्नी थी। बच्चों की मस्ती फिर से शुरू हो गई और फिर हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया और ये बाहर का व्यू जिसे हम एंजॉय करके पूरा सफ़र हमारा बहुत स्मूथली गया। और ये हम पहुंच गए द्वारका, कान्हा जी की नगरी में। तो देख सकते हो दोपहर के बज रहे थे 2 और हमें बहुत भूख लगी थी। फिर हमने थोड़े से पिक्चर क्लिक किए और फिर चले हमारे होटल की तरफ। यहाँ हम गोमती होटल में रुके जो काफ़ी अच्छा था और हमारा ये रूम। फिर हमने कर लिया लंच जो हमने रूम में ही मंगा लिया था। यहाँ मैं रेडी हो गई फटाफट और हम चले द्वारकाधीश के मंदिर। तो यहाँ पर द्वारका की सड़कों से होते हुए हम चले द्वारकाधीश के दर्शन करने। यहाँ से मंदिर काफ़ी नज़दीक था, आप देख सकते हो मंदिर दिख भी रहा है यहाँ पर से। तो टेंपल में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है तो हम यही फ़ोन छोड़ देंगे और भगवान के दर्शन करके आपको फिर से मिलेंगे। मंदिर बहुत सुंदर था और काफ़ी ह्यूज था। भगवान जी की मूर्ति तो इतनी मेस्मराइजिंग थी कि आप एक बार देखोगे तो मन करेगा बस देखते ही रहो। भगवान जी के दर्शन करके मन में सुकून लेके हम चले गोमती नदी की तरफ। नदी भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, आप देख ही सकते हो। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए घूमने के लिए, बोटिंग है, कैमल राइड है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करने के लिए। सनसेट होने तक हम गोमती नदी के किनारे रुके, यहाँ का व्यू का मज़ा लिया, थोड़ा सा चिल किया। हमारे भगवान के दर्शन भी काफ़ी अच्छी तरह से हो गए, काफ़ी मन को सुकून मिला। शाम होने आ गई थी और देख सकते हो आप मंदिर शाम में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो द्वारका की सड़कों पे थोड़ी देर घूमने के बाद हमने कर लिया डिनर। यहाँ हमने मंगाई थी गुजराती थाली जो काफ़ी टेस्टी थी। और यह हमारा डे 2 जहाँ पर मैं फ्रेश हो गई, रेडी होकर हम चले हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने जाके किया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। और फिर हम ये खूबसूरत सा गोमती नदी का व्यू देखते हुए उसे अलविदा करते हुए हमारे अगली डेस्टिनेशन की तरफ चले गए। तो द्वारका में हमने कर ली कार रेंट और कार से हम चले रुक्मणी माता के मंदिर, क्योंकि द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हमें रुक्मणी माता के मंदिर में जाना कंपलसरी है। ऐसे यहाँ के पुजारी कहते हैं, तो हम यहाँ से निकल के रुक्मणी माता के मंदिर निकल गए। यहाँ देख सकते हैं हम पहुँच गए रुक्मणी माता के मंदिर, जो काफ़ी विशाल था, काफ़ी ह्यूज था मंदिर और काफ़ी सुंदर था। उनके भी दर्शन कर लिए हमने यहाँ पर आकर। पुजारी ने हमें उनकी कथा सुनाई कैसे ये मंदिर इतना दूर है, और यहाँ हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए। यहाँ सबसे पहले हमने हनुमान जी के पैर पड़े, फिर माता रुक्मणी के दर्शन की ओर चले गए। यहाँ फिर माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पर थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए, आप देख सकते हो मंदिर कितना सुंदर है। यहाँ पीछे भी काफ़ी अच्छा व्यू था।
शिरोमणि माता के दर्शन अच्छी तरह से मिल गए हमें। अब हम चले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो यहाँ से कुछ ही दूर था। तो देख सकते हो आप, हम यहाँ पहुँच गए हैं और कितना बड़ा मंदिर है और भगवान शिव जी की भी कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ रखी है। अब यहाँ से हम चले मंदिर की ओर। तो यहाँ पर भी हमने कर लिया भगवान नागेश्वर के दर्शन। यहाँ पर मान्यता है कि माता पार्वती और भगवान शिव नाग रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर जोड़ों को अच्छे एक साथ पैर पड़ना ज़रूरी है ताकि उनका साथ हमेशा बने रहे। तो हमने भगवान का आशीर्वाद ले लिया। पीछे प्यारी सी झील थी जिसमें बहुत सब बड़े बड़े फिशेस थे जिसे मैं दर्श को बता रही थी। तो यहाँ पर दर्शन अच्छी तरह से हो गए और हम चले इस बड़ी सी आइडल की तरफ भगवान शिव के थोड़े पिक्चर्स निकालने। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रदक्षिणा की। मंदिर काफ़ी सुंदर था, भगवान जी के अच्छी तरह से दर्शन हो गए हमें और मन को काफ़ी सुकून मिला। अब हम दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अगले ब्लॉग का वेट करना। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय।